तो दोस्तों ये है वाराणसी यानी बनारस का कार बाज़ार, सर्व शरद वाहना कार बाज़ार नाम है इसका। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी गाड़ी पसंद आती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मिल जाएगा। तो गाड़ी के जो रेट बताए गए हैं वो फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है उन्होंने कहा है जो इसके ओनर हैं, जो कि अभी मैं आपको ये बात कराऊंगा उनसे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी कंडीशन में है, स्विफ्ट डिज़ायर है, आर्टिका है, उसके अलावा भी और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं। तो आप देखिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है एलके ओ मस्ती। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं आया हूँ वाराणसी कार बाज़ार में। और यहाँ पर मैं जिस कार बाज़ार में आया हूँ उसका नाम भी अभी आपको बताऊँगा और हमारे साथ उसके ओनर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और यहाँ पर कई गाड़ियाँ हैं, लगभग 11 गाड़ी हैं जो आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, जो बहुत बेहतरीन गाड़ी हैं, छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको एक एक करके सारी गाड़ियाँ। तो पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए मिलते हैं। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी सर। और सर आपके कार बाज़ार का नाम पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। मेरे कार बाज़ार का नाम है सर सर्व शरद वाहना कार बाज़ार। अच्छा, सर्व शरद वाहना कार बाज़ार नाम, शॉर्ट में आप उसको बोल सकते हैं SSV कार बाज़ार, SSV शॉर्ट में। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपका और मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगा, आप बात कर सकते हैं यहाँ के, यहाँ पर गाड़ियाँ जो भी हैं उसके लिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ गाड़ियाँ जो भी हैं उनका फाइनेंस वगैरह भी हो जाता है? फाइनेंस हो जाएगा सर, उसके लिए यूपी के हैं, करूँ हैं। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रिक सिटी के जरिए फाइनेंस हो जाएगा। यानी कि अगर यूपी से कोई है तो उसका फाइनेंस आप करा देंगे। हाँ। तो फाइनेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो आप सबको पता ही होगा कि अगर आपके पास ITR वगैरह है, ITR फाइल करते हैं, आधार, पैन कार्ड, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं अगर, तो आपको गाड़ी कहीं से भी कोई फाइनेंस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन भाई के यहाँ यूपी में जो लोग हैं उनके लिए आराम से फाइनेंस यहाँ पर है। तो आपके पास किस रेंज से किस रेंज तक गाड़ियाँ लगभग रहती हैं? लगभग हमारे यहाँ से 35,000 से लेके 5-5.5 लाख के रेंज प्रेजेंट टाइम में भी गाड़ियाँ हमारे पास है। 35,000 से स्टार्टिंग है और 5.5 लाख तक मतलब आपके पास गाड़ियाँ मिल जाएंगी। हाँ। तो दोस्तों भाई के पास 35,000 से स्टार्टिंग है, तो 35,000 में जो कार दे रहे हैं वो कौन सी है आपके पास? 35,000 में मारुति 800 AC। अच्छा, AC है, बनारस का ही नंबर है जी, और वो है 1999 मॉडल। अच्छा, तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करा करके देंगे? हाँ, हम करा के आपको देंगे। उसके अलावा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो भी गाड़ियाँ आप दिखाएंगे और जो भी प्राइस आप बताएंगे हमारे लोगों को, वो प्राइस फिक्स होगा या कुछ नेगोशिएबल आने पर यहाँ पर मौके पर होगा? प्राइस नहीं आने पर हमारी सब फिक्स होती है, फिक्स होती है, ठीक है। मौके पे है, कुछ बातों में, कुछ आदमियों में है, बात रखी जाती है, थोड़ा बहुत रखेगी, थोड़ा बहुत मतलब 10,000-5,000 ये हो पाएगा। अगर आप यहाँ आने के बाद कहेंगे 1 लाख कम कर दिए, 50,000 ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं। तो आप भाई ने बता दिया क्लियर जो भी चीज़ है कि भाई ज़्यादा यहाँ पर जो है पैसा कम नहीं होता है, नेगोशिएबल थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी भाई के पास है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाना चाहूँगा, गाड़ी की कंडीशन देखिए इस साइड से और उसके बाद सामने से दिखाते हैं आपको। ये होंडा सिटी है, कंडीशन ठीक ठाक लग रही है, टायर की कंडीशन देखिए। आइए अंदर से इसको देखते हैं, तो अंदर से भाई दिखा दीजिए जरा, तो अंदर से भी इसकी कंडीशन देखते हैं। और ये कौन सा मॉडल है सर? ये 2014 मॉडल गाड़ी है, 2014 मॉडल। तो दोस्तों गाड़ी की कंडीशन आप देखिए अंदर से, 2014 मॉडल है ये, और पीछे से सीटें वगैरह देखिए बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है इसका।
2014 मॉडल है, ओनर क्या है इसका? ओनर ये फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है। चली कितनी है? चली ये लगभग 70,000। तो क्या मांग रहे हैं इसका प्राइस आप? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए, कुछ थोड़ा बहुत नेगोशिएबल होगा? 4.5 लाख रुपए इसका मांग रहे हैं। गाड़ी आपने देखी ली है, कंडीशन गाड़ी की, टायर की कंडीशन, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे स्विफ्ट डिज़ायर। ये देखिए खड़ी है यहाँ पर, जो बढ़िया कंडीशन में खड़ी है। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गई, ये डीजल है पेट्रोल है? ये डीजल है। ये डीजल है, तो ये डीजल है, डीजल से माइलेज भी लगभग 20-22 का होगा आराम से इसका। 20 होगा। उसके बाद फिर स्विफ्ट देखते हैं, ये देखिए डिज़ायर, ये भी डीजल है? ये भी डीजल, स्विफ्ट VDI है। तो ये स्विफ्ट VDI है, कंडीशन इसकी देखिए, गाड़ी कंडीशन बढ़िया है, इधर से भी देखिए, और टायर की कंडीशन की अगर बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं। अंदर से खोल के दिखा दीजिए भाई, अंदर से देखते हैं। तो अंदर से इसकी कंडीशन देखते हैं और पूछते हैं भाई से कि मॉडल कौन सा है इनका? सर ये 2015 मॉडल है। ये 2015 का मॉडल है। हाँ। चली कितनी लगभग? चली होगी ये लगभग 55,000। तो दोस्तों गाड़ी की कंडीशन आप देखिए अंदर से, थोड़ा सा कवर और चेंज कराने वाले हैं, बाकी गाड़ी ठीक ठाक है बाहर से। 15 मॉडल है, ओनर फर्स्ट है? हाँ फर्स्ट। चली कितनी बताए? 55,000 चली है। इसका भी प्राइस बता दीजिए हमारे लोगों को। 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल है, आप बात कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों एक आर्टिका भी खड़ी है, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में लग रही गाड़ी, ये देखिए UP 62, इस साइड से भी देखिए टायर की कंडीशन की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पीछे से भी इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे से भी गाड़ी की कंडीशन देखिए। आइए अंदर से देखते हैं इसको। ये मॉडल कौन सा है सर? ये 2016 की गाड़ी है। ये देखिए अंदर सीट है, ये लगभग है स्पेशल या चली हुई है, और 16 लास्ट की है गाड़ी है, फुल इंश्योरेंस, 7,08,000 रुपये इसके ADP वैल्यू है, पैसा या ओरिजिनल चली है। अच्छा। ये इसके डिमांड जो है 6,85,000 रुपये। 6,85,000 डिमांड है। मॉडल कौन सा बताया? 2016 मॉडल है, और अक्टूबर की, अक्टूबर की। इंश्योरेंस IDV कितनी इसकी? 7,08,000 रुपये। 7,08,000 रुपये इसकी IDV इंश्योरेंस, और गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी है, आप खुद देखिए। और इसका मांग रहे हैं 6,85,000 रुपये, जो कि फाइनेंस हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओनर फर्स्ट ही होगी ये? सेकेंड ओनर है। तो ये सेकेंड ओनर है, बाकी गाड़ी की कंडीशन ठीक है। दोस्तों एक Alto 800 खड़ी है, ये देखिए जिसकी कंडीशन आप देखिए पहले इस साइड से, और फिर सामने से दिखाते हैं साइड से, देखिए भाई अंदर से देखते हैं इसको। इंटीरियर ठीक है, अंदर से सीट कवर काफी प्यारे लग रहे हैं इसके, ये देखिए कवर जो लगा हुआ है वो काफी अच्छा है। ये मॉडल कौन सा है? ये पीछे से भी इसकी कंडीशन देखिए। ये मॉडल है 2016 की गाड़ी है। 2016 मॉडल है ये। हाँ। चली कितना है? चली ये 40,000। 40,000 किलोमीटर चली है। ओनर फर्स्ट है? ओनर फर्स्ट है ये। क्या प्राइस इसका आप मांग रहे हैं? 2,25,000। 2,25,000 रुपए दोस्तों इसका मांग रहे हैं, और नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है, बस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। आप आएंगे यहाँ पर, बात करेंगे भैया से, नंबर दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो एक गाड़ी ये भी खड़ी है, 2009 मॉडल है। जी हाँ, नौ मॉडल है, वैगनार। गाड़ी कंडीशन देखिए आप,
साइड से देखिए। और इस साइड से भी देखिए गाड़ी, टायर की कंडीशन भी आप देखिए। बाकी आइए अंदर से देखते हैं इसको। तो ये 2009 मॉडल कितना चलिए? चलिए 1,14,000। तो 1,14,000 चलिए। म्यूजिक सिस्टम ये देखिए सोनी का लगा हुआ है इसमें। बाकी अंदर से गाड़ी फिट है, अंदर से ये देखिए कवर वगैरह भी ठीक है। फर्स्ट ओनर है ये? नहीं, ये थर्ड ओनर है। हाँ। तो दोस्तों ये थर्ड ओनर है और चली कितनी बताया ने? 1,14,000। 1,14,000 क्या प्राइस इसका आप मांग रहे हैं? 1,20,000। 1,20,000 रुपये ओनली पेट्रोल है ये? पेट्रोल प्लस सीएनजी। पेट्रोल प्लस सीएनजी है तो हाँ। इसमें सीएनजी भी लगी है और पेट्रोल भी है, सीएनजी पास होगी? हाँ, ऑटो अप्रूव है जी। तो 1,20,000 आप मांग रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल है। दोस्तों एक गाड़ी ये भी खड़ी है वैगनार, जो काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में, ये देखिए ओल्ड मॉडल है लेकिन गाड़ी की कंडीशन ठीक लग रही है। इस साइड से भी आप देखिए, आइए अंदर से भी देखते हैं। ये मॉडल कौन सा है? मॉडल 2006 की है। 2006 मॉडल है तो आइए इसको देखते हैं अंदर से। 2006 का मॉडल है ये। पीछे से भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये देखिए 2006 मॉडल कितना चली है? 92,000 चली है। ओनर क्या है इसका? फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। अंदर से आप देखिए गाड़ी की कंडीशन। और ये पेट्रोल पे होगी? हाँ, पेट्रोल है। पेट्रोल पे है, फर्स्ट ओनर है, 2006 का मॉडल है। इसका क्या प्राइस है? इसका जो आस्किंग प्राइस है 1,10,000। 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं, बाकी कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। हाँ। आइए दूसरी गाड़ी और भी देखते हैं, जो कि है बुलेरो, जो सारे भाइयों की पसंद है। बहुत सारे भाई लोग बुलेरो के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर दो बुलेरो खड़ी हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। UP64 है ये और गाड़ी की कंडीशन देखिए। इस साइड से देखिए गाड़ी साफ है और इधर से भी देखिए। टायर की कंडीशन, तो गाड़ी पीछे से भी देखिए। आइए टायर इसका अंदर का देख लेते हैं, इंटीरियर। तो इंटीरियर भी काफी बढ़िया है, ये देखिए अंदर से ठीक ठाक है। म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और टायर आप देख सकते हैं किस कंडीशन में। तो ये बुलेरो जो है ये कौन सा मॉडल है? सर ये 2014 गाड़ी है, 2014 की है। सबसे बेहतरीन गाड़ी आप देखा होगा, आपका इंटीरियर आपने देखा होगा, सीट कवर जी, देखा होगा। इंटीरियर बढ़िया है, सीट कवर भी बढ़िया है, गाड़ी के टायर भी बढ़िया है। हाँ। तो ये मॉडल 2014 है। ओनर फर्स्ट है। ये चली कितनी है? चली ये 68,000 किलोमीटर। तो ये कितने की हो जाएगी हमारे कस्टमरों के लिए? देखिए इसकी डिमांड तो अच्छी रखी गई है, 5,00,000 रुपया। अच्छा, इसका फाइनल फुल प्राइस है 4,85,000। 4,85,000। तो 4,85,000 रुपए की भाई बोल रहे हैं। बाकी आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली भाई से अपना, इसके लिए नंबर मैं दे दूंगा, उसमें जो कम होना होगा वो हो जाएगा। बाकी आप दूसरी गाड़ी ये देखिए, स्कॉर्पियो खड़ी है जो कि बहुत ही बढ़िया कंडीशन में लग रही है। सामने से लुक है तो ब्रांड न्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाड़ी का। और इस साइड से देखिए टॉप मॉडल है ये, और टॉप मॉडल देखिए गाड़ी के टायर की कंडीशन देखिए। और ये टॉप मॉडल है, इस साइड से देखिए गाड़ी बढ़िया कंडीशन में लग रही है। और फिर इसको पीछे से देखते हैं, पीछे से भी गाड़ी की कंडीशन देखिए बढ़िया लग रही है। तो आइए अंदर से भी देखते हैं। म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड ही आता था इसमें। और बाकी ये देखिए अंदर से पूरा ये नीट एंड क्लीन गाड़ी है, पूरी
सीटें वगैरह सब बिल्कुल साफ है, अंदर से बिल्कुल क्लीन गाड़ी है। कितना चल चुकी है ये अब तक? ये अब तक चल चुकी है लगभग 70,000 की खाता चली है। 70,000। मॉडल कौन सा है ये? मॉडल 2012 की है। 2012। तो दोस्तों 2012 की है और 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। भाई बोल रहे हैं ओनर क्या है इसका? ओनर ये सेकेंड है। सेकेंड ओनर जी हाँ। तो क्या प्राइस हो जाएगा इसका हमारे लोगों के लिए? इसका जो प्राइस है सर, थोड़ी सी गाड़ी है टाइट है, तो थोड़ी सी ये महंगी रखा गया है गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी में पैसे बहुत लग गए हैं। अच्छा, ये आपको है लगभग डिमांड रखा गया है 5.5 लाख। 5.5 लाख ऑन टेबल आज बैठेगा तो उसमें कुछ हो जाएगा। मतलब कि ऑन टेबल आकर के बात करेंगे कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा उसमें। उसके बाद फिर खड़ी है बोलेरो एक और यहाँ पर, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कंडीशन गाड़ी की, आप देखिए इस साइड से टायर की कंडीशन भी देख सकते हैं आप, सामने से देखते हैं इसको। सामने से भी गाड़ी का लुक है जो वो आप देखें, और इस साइड से भी। आइए अंदर से देखते हैं, पीछे से भी गाड़ी की कंडीशन देखिए आप, और आइए अंदर से देखते हैं इसको। तो आइए इसका इंटीरियर देखते हैं अंदर से। इंटीरियर ठीक ठाक है, अंदर से ही देखिए गाड़ी। तो ये कौन सा मॉडल है? ये 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल ये भी है, ओनर सेकंड है। अच्छा, कितना चली है? 1,13,000। 1,13,000। क्या प्राइस इसका रखा है आपने? इसका प्राइस जो रखा गया है 4,75,000। 4,75,000। तो 4,75,000 इसका प्राइस है, जो कि नेगोशियबल है, कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो दोस्तों थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। गाड़ी की कंडीशन आपने देखी ली अंदर बाहर से, टायर की कंडीशन भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, बाकी आप बात कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी खड़ी है 800 यहाँ पर, ये देखिए, और कंडीशन आप देखिए इस साइड से, सामने से भी देखिए। ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल 1999। तो दोस्तों 1999 मॉडल है, और इसका रजिस्ट्रेशन आप करा के देंगे? हाँ, करा के देंगे। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन इसका करा करके देंगे। बाकी गाड़ी अंदर से भी आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, गाड़ी साफ है अंदर से भी, ये देखिए क्लीन है बिल्कुल। 99 मॉडल के हिसाब से गाड़ी जिसने भी रखी है वो थोड़ा अच्छे से रखा है। ये डीलर थे, उनकी गाड़ी थी। अच्छा अच्छा, ओनर ये क्या है? ओनर ये अभी अपने सिस्टर को मैंने दिया था, ये गाड़ी है सेकंड ओनर हो गया। सेकंड ओनर है तो सेकंड ओनर है ये। और चली कितनी लगभग? 65,000 चली है ओरिजिनल। और ये 35,000 रुपये इसका मांग रहे हैं आप? तो 35,000 फिक्स प्राइस है। तो 35,000 रुपये बिल्कुल फिक्स प्राइस है भैया बोल रहे हैं, तो 35,000 की आपको ये मिल जाएगी, इसके लिए बात कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आप सबके लिए नए नए वीडियो आता रहेगा, मैं लाता रहूँगा। और आज बनारस में हो सकता है और भी वीडियो मैं शूट करूँ तो वो भी आएंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे भाई लोग लखनऊ में अच्छी प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, तो दोस्तों एक वीडियो मैंने शूट किया था कानपुर रोड पर, एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो AK इंफ्रा की है, और बहुत अच्छा है वहाँ पे, बड़ा अच्छी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जहाँ पे आपको 18 लाख रुपए में 1,000 स्क्वायर फीट का मकान बना करके दे रहे हैं, तो बढ़िया है। उसको अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।